हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड फ्राइज में स्वागत है। सो दोस्तों आज हम आए हैं बाबा दीप सिंह रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पे इनकी दो डिशेस देखने वाले और साथ ही साथ इनकी दो स्पेशल डिशों को टेस्ट भी करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम इनके रेस्टोरेंट का पूरा टूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं और देखते हैं इनकी रेस्टोरेंट अंदर से किस तरह की दिखती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और भी इसी नई वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। अपना स्पेशल पनीर है और ये हमने थोड़ा तेल ले लिया है, थोड़ा ये गरम होगा और देखते हैं थोड़ा ये गरम होगा और उसके बाद हम थोड़ा डालेंगे जीरा, थोड़ा ये पकेगा और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा प्याज। तो ये अच्छे से पकाएंगे इसको और उसके बाद डालेंगे थोड़ा हम हरी मिर्ची और उसको पकाएंगे हम थोड़ा और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा टमाटर। अभी पक चुका है, अब इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा लहसुन पेस्ट, इसको थोड़ा अच्छे से पकाएंगे इससे अच्छा टेस्ट आए। और ये हमारा लहसुन पक चुका है, हम उसमें थोड़ा ये कटिंग डालेंगे अपनी फिंगर कटिंग, प्याज हो गया और कैप्सिकम हो गया, जिससे अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी अच्छी होती है। और इसको पकाएंगे हम थोड़ा, ये अच्छे से पकेगा, उसके बाद हम पनीर डालेंगे जो कि अमूल का पनीर है और काफी अच्छा पनीर है। और उसके बाद हम मसाला डालेंगे, थोड़ा नमक ले लिया और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, ये गरम मसाला है ये हम यही खुद बनाते हैं अपने हाथ से और इसमें काफ़ी टेस्ट आता है और हम रेडीमेड नहीं लाते हैं, होटल में बनाते हैं, खुद ही मैं अपने हाथ से बनाता हूँ उसको, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इसके बाद थोड़ा हम हल्दी पाउडर लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा कसूरी मेथी जो कि काफ़ी टेस्ट आता है खाने में इससे, और इसको अच्छे से पकाएंगे। और इसके बाद हम अपनी ग्रेवी लाएंगे जो कि एक एक से दो चम्मच ग्रेवी डालेंगे, इसको पकाएंगे और इसमें हम डालेंगे सरस पनीर जो कि अमूल का पनीर है, काफी अच्छा पनीर है। तो थोड़ा पकाएंगे, उसके तेल में थोड़ा पनीर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा स्पेशल है इसके हिसाब से थोड़ा काजू भी डालेंगे, स्पेशल डिश है तो इसमें काजू वाजू सब पड़ेंगे। काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका, एक बार खा के देखो फिर भूल जाओ।
और ये है हमारा अमूल का अच्छा पनीर का रस पनीर डालेंगे इसके ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा। अमूल का पनीर है ये, और ये काफी टेस्टिंग सब्जी है, एक बार आप खाके देखो जरूर आना। और हम अब ये डबल और ये डबल ग्रेवी में आएगा, जो कि एक ब्राउन हो गया और एक हम इसको ग्रीन में देंगे। अब देखो इसमें हम थोड़ा पालक डालेंगे, फ्रेश पालक रहते हैं हम, और इसको ग्रीन करेंगे और थोड़ा इसके ऊपर पनीर डालेंगे, अमूल का रस पनीर, थोड़ा काजू डालेंगे, और ये अमूल का आटा है, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। हम सब चीज ओरिजिनल यूज करते हैं। तो थोड़ा पकाएंगे ताकि टेस्ट अच्छा आए। ये पक चुका है, अब हम इसको डिश में रखेंगे। काफी टेस्टिंग बना है, गाने अब इसको हम गाने सिंग करेंगे। अब इससे हम फूल बनाएंगे गुलाब का, क्योंकि अच्छा दिखता है। इससे हम काजू डालेंगे, हम थोड़ा काजू डालेंगे, तो काफी अच्छे से सजाएंगे। काफी अच्छा दिखेगा, इसलिए खाने में अच्छा है, उसे दिखने में ये अच्छा है। तो सजाएंगे ताकि खाने वाले देखने से ही खुश हो जाए, अच्छा लगे। तो उसके ऊपर हम थोड़ा पनीर डालेंगे, हम अच्छा लगेगा ऊपर से टॉपिंग। थोड़ा हम धनिया डालेंगे, बटर डालेंगे, इससे अच्छा रहेगा। गिरा
बाद में तेल, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है दोनों डिशेस रेडी हो चुकी है, जो कि दोनों ही स्पेशल है। इनमें से इन्होंने जो पहले नंबर पर बनाई है वो है यहाँ का बाबा दीप का स्पेशल डोसा, और दूसरे नंबर के डिश की बात करें दूसरे नंबर पे इन्होंने जो बनाया है बाबा स्पेशल पनीर डिश। जी हाँ दोस्तों, मुझे दोनों ही डिशेस तो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों मैं तो इसे टेस्ट करने जा रहा हूँ, अगर आप भी इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर यहाँ पे विजिट करना और यहाँ पे आप इनके दोनों डिशेस को टेस्ट करना। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और भी इसी नई नई वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।